हे व्हाट इज अप सब ब्रदर्स, मैं हूं बिल जादव और आप देख रहे हैं बिलू टेक्निकल। तो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले जो कि है गेम न्यूज। और दोस्तों इसमें हम जो लेटेस्ट न्यूज है या फिर अपडेट्स है वो बताऊंगा आपको जो है गेम के बारे में। दोस्तों अभी जो पहली न्यूज है वो आ रही है GTA 6 की तरफ से। तो GTA 6 की तरफ से ऑफिशियल नहीं आ रही, ये जो एक सिर्फ यूमर है जो कि बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। और दोस्तों ये जो है कि एक अकॉर्डिंग टू एनोनिमस यूरोपियन डेवलपर, हाँ ये रॉकस्टार गेम्स खुद नहीं बता रहा, ये एक यूरोपियन डेवलपर है कोई, तो वो बोल रहा है कि जो नेक्स्ट गेम है GTA की, जो कि ऑफकोर्स GTA 6 है, वो जो है दो सिटीज़ में बेस होने वाली है, एक है मियामी और दूसरी है न्यूयॉर्क सिटी। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ना ही रॉकस्टार ने जो है कुछ न्यूज़ दिया है या फिर पिक्स जो है किसी ने भी लीक की है। तो ये सिर्फ एक र्यूमर है, पर बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था, उसलिए मैंने मेरा जो है ये बता है कि आपको मैं ये बताऊँ। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है पबजी मोबाइल की तरफ से। तो अभी पबजी मोबाइल काफ़ी जगह आपको पता है कि बैन हो रहा है, और इंडिया में भी उसकी चांसेस है कि बैन हो, क्योंकि नेपाल में दोस्तों ये ऑलरेडी बैन हो गया है, और अभी इराक में भी ये जो है बैन होने वाला है। नेपाल में इसलिए बैन हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुलिस स्टेशन के पास जो है लेटर्स आए स्कूल्स और पेरेंट्स की तरफ से कि इसके वजह से जो है बहुत ही वायलेंस फैल रहा है, और जो है इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए क्योंकि इसकी वजह से स्टडीज़ पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो वहाँ के जो नेपाल के गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, और अभी जो है गोवा की जो गवर्नमेंट है वो भी चाह रही है कि इसको बैन करे, पर अभी तक उन्होंने भी कुछ क्लियरली बताया नहीं कि बैन होने वाला है या नहीं, और ना हो तो ही अच्छा है क्योंकि गोवा बहुत ही पास है इंडिया के, और इंडिया में भी बैन हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा कम खेलना चाहिए पबजी। अगले की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है फोर्टनाइट की तरफ से। तो फोर्टनाइट की कंपनी जो कि है एपिक गेम्स, सबको पता होगा फेमस कंपनी, ये जो है अपने जो प्लेयर्स है उनको पूछ रही है कि अगर आपके हमारी गेम में जो कि फोर्टनाइट में अगर आपको बग्स या ग्लिच मिलते हैं तो हमको जो है काइंडली रिपोर्ट करिए, हम उसके बारे में देखेंगे, और जो हम लोग को बताता है उसको जो है हम अप्रिशिएट करेंगे, और अगर चाहे तो हम मतलब उन्होंने नहीं कहा, पर काफ़ी लोगों को लगता है कि वो जो है रिवॉर्ड्स या फिर उनको कुछ एक मनी प्राइस दे सकते हैं। तो अगर आप भी एक फोर्टनाइट के प्लेयर और आपको भी कुछ बग या ग्लिचेस पता है फोर्टनाइट की, तो आप भी जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्या पता आपको जो है प्राइज़ मिल जाए। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्रीपी मैलवेयर की तरफ से। तो अगर आप जो है प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ऐसे ही उठा के, तो ना करें, क्योंकि अभी जो है एक नया मैलवेयर आया जो कि क्रीपी मैलवेयर, तो ये जो है काफ़ी सारे हिडन फाइल्स के अंदर है जो कि प्ले स्टोर के ऐप्स के अंदर है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपका जो है पासवर्ड या फिर फोटोज जो है ये जो है हैक कर लिए जाएंगे, अगर आपको नहीं पता तो। इसलिए जो मैं कहूँगा कि आप जो है काइंडली अपना जो है थोड़ा सा ध्यान रखें ऐप्स डाउनलोड करते हुए, कोई भी ऐप बेकार की ना डाउनलोड करें। तो यही थे आज के कुछ न्यूज़। तो अगर आपको पसंद आए तो मैं ज़रूर से अगली वीडियो भी बनाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, मैं मिलूंगा आपको ऐसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।